तो यार क्लास 12th खत्म होते ही हमारे आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि कौन सी बैचलर डिग्री बेस्ट है, कौन सी डिग्री में सबसे ज्यादा स्कोप है, या मेरे लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं एंड ट्रस्ट मी ये वीडियो 10 मिनट अपनी लाइफ के निकाल के देख लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट करियर एडवाइसेस यहां पे मैं देने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए कोई भी करियर गाइडेंस देने से पहले मैं आपको उन दो लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके करियर गाइडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये लोग आपका करियर बनाने की बजाय बिल्कुल बेकार बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं आपके दोस्त। अपने दोस्तों से कभी करियर एडवाइस गाइडेंस मत लेना, क्योंकि आपके दोस्तों को भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, तो वो आपको कोई इतनी खास इनसाइट्स नहीं देने वाले, कोई इतनी खास गाइडेंस नहीं देने वाले। और साथ में आपके जो बड़े भैया जिन्होंने कुछ भी अपनी लाइफ में किया नहीं है पर ज्ञान देने में वो सबसे आगे हैं। देखो यार मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट इंडिया में रियलिटी यही है, हमारे यहां कोई इंसान ये नहीं बोलता किसी टॉपिक के ऊपर कि मुझे नहीं पता, ये कोई एडमिट नहीं करेगा। यहां पे ज्ञान सबको देना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो ज्ञान जो है आपके बड़े भैया आपके दोस्त किस बेसिस पे देते हैं, उनको जिस फील्ड में नॉलेज है एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में बताएंगे और कहेंगे वो चीज बेस्ट है। बट जिस फील्ड के बारे में उन्हें नहीं पता वो ये नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, वो ये कहेंगे बेकार है या फिर इसकी कोई इतने फेमस नहीं है या इसमें कोई इतना स्कोप या फ्यूचर नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों से बिल्कुल करीब गाइडेंस मत लेना जिनको कुछ लिमिटेड फील्ड्स या लिमिटेड चीजों के बारे में ही पता हो। दूसरी आपको करियर गाइडेंस किन से नहीं लेनी, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराता है तो कहेगा इंजीनियरिंग बेस्ट है पूरी दुनिया में। कोई इंस्टीट्यूट अगर बीबीए सीए की प्रिपरेशन कराता है तो कहेगा भाई बीबीए सीए बेस्ट कोर्स है इस दुनिया में। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की एडवाइस कभी नहीं लेनी। देखो यार हम भी बीएमएस बीबीए बीबीए प्लस एमबीए के एंट्रेंस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्रैश कोर्सेज देते हैं, वीडियो के एंड में मैं उसके बारे में ढंग से बताऊंगा भी हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। पर हम कभी भी बच्चों को ये नहीं कहते कि दुनिया के सारे कोर्स छोड़ दो और ये कोर्स कर लो, ये है इस दुनिया का बेस्ट कोर्स। ऐसी कोई टेंडेंसी अगर आपको बेच रहा है, ऐसे कोई अगर कह के आपको कोर्स बेच रहा है, आपके अच्छे भले किसी कोर्स में मूड बना हुआ है उसको बदल के आपको कोई और कोर्स बेच रहा है, वो इंसान वो है जो 10-15 हजार के प्रॉफिट के लिए आपका करियर डुबाते हुए कोई भी डाउट नहीं करेगा अपने आप को, कोई भी शर्म नहीं करेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से कभी भी करियर एडवाइस मत देना। 3 दिन पहले मेरे पास एक लड़की का कॉल भी आया था, बहुत डिसअपॉइंटेड थी। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जो कि अपने आप को बीबीए का सो कॉल्ड सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कहता है प्रिपरेशन का, उन्होंने उस लड़की से क्या कहा, उस लड़की का सीए करने का बिल्कुल फाइनल मन हुआ हुआ था, उन्होंने उस लड़की से क्या कहा उन इंस्टीट्यूट ने कि भाई सीए छोड़ो बेकार है, बीएफआई कर लो बेस्ट कोर्स है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूट उसकी प्रिपरेशन कराता था और भाई उन्हें अपना सामान अपना माल बेचने से मतलब है, तो उन्होंने कहा सीए बेकार है ये कर लो। तो इन लोगों से कभी भी करियर एडवाइस नहीं लेनी है। अब देखो फिर आपको किस बेसिस पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जैक्ट कोर्स नहीं बताने वाला, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा वर्ड है बट उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। आपको जो सिलेक्शन करना चाहिए अपना कोर्स, वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने इंटरेस्ट या पैशन के बेसिस पे विद प्रैक्टिकलिटी। अब मुझे पता है कई बच्चों को नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, पर एक चीज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो यार मैं खुद एसआरसीसी से पढ़ा हूँ, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से भी पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे आईआईटीज में भी बहुत जान पहचान के दोस्त रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ जो आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी कि इन कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस एसआरसीसी सुखदेव या आईआईटी इनसे भी कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं होती, जिनकी जॉब नहीं लगती, जिनका करियर अच्छा सेट नहीं होता, या कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो पे पैकेज लगता है वो बहुत एक नॉर्मल रेट पे लगता है जो किसी भी कॉलेज से लग जाता है। अब देखो इसका रीजन ये नहीं है कॉलेजेस बेकार है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि वो बच्चे मिसगाइडेड थे, उनको ये बताया गया कि भाई एक बार इस कॉलेज में चले जाओ तो आपकी लाइफ सेट है। ये चीज आपने जरूर सुनी होगी कि इन कॉलेज में चले जाओ लाइफ सेट है, आपको भाई बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, पर ये रियलिटी नहीं है। अगर आप इन कॉलेजेस में जाते हो और आप स्कोर नहीं कर रहे हो, आप मेहनत से नई चीजें नहीं सीख रहे हो, आप वो एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहे हो लर्निंग में, तो जब आप 3 या 4 साल बाद इन कॉलेजेस से निकलोगे तब भी आपका करियर नहीं सेट हो पाएगा। दो चीजें हो सकती हैं आपके साथ, या तो आपको
बिल्कुल आपका करियर ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप मेहनत करके फिर भी अच्छा करियर अपना सेट कर पाओ, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हो, पर मैं रियलिटी आपको ये भी बता रहा हूं, जब आप अगर कोई ऐसा काम पकड़ लोगे जहां पे आप उस काम से नफरत करते हो, आपको वो चीज नहीं पसंद है, आप फिर भी मिजरेबल फील करोगे। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज सोचो, अगर आप कोई सब्जेक्ट में आपको पकड़ा दूं जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नफरत है पढ़ने के से, मैं आपको कह दूं कि बेटा तुझे 9 घंटे डेली सब्जेक्ट पढ़ना है, आप टॉप शायद कर जाओ उस सब्जेक्ट में, पर आप फिर भी मिजरेबल फील करोगे, आप फिर भी उस सब्जेक्ट से नफरत करोगे, आपको और ज्यादा परेशानी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से फील होता है जब आप 9 घंटे की जॉब करते हो उस इंडस्ट्री में जो आपको पसंद ना हो और आप अच्छा कमा रहे हो। तो कोई भी यार फायदा नहीं है अपने इंटरेस्ट से बाहर के ऑप्शन की तरफ जाने का। बट मैं आपको इसमें एक चीज और बोल देता हूं, इसमें प्रैक्टिकलिटी होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर आप मानव बनना चाहते हो फ्यूचर में आर्टिस्ट या आईएएस ऑफिसर, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यार देखो, आपको इनकी तरफ जाते हुए एक बैकअप अपने हाथ में जरूर रखना है कि यार अगर मानो ये मेरा इंटरेस्ट या पैशन में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या फिर एक बार ही जल्दी से नहीं हो पाया, मैं आपको फ्यूचर में और मौका मिल जाए, तो आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना है, क्योंकि आपके ऊपर अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो आपको एक प्रॉपर प्लान लेके चलना है, प्रैक्टिकल प्लान लेके चलना है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट की तरफ काम कर सको, वो आपको करना चाहिए, पर आपके पास प्रॉपर बैकअप भी रेडी हो अगर इनकेस चीजें वर्कआउट ना हो। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं उन बच्चों की बात करने से पहले कि जिनको इंटरेस्ट नहीं पता, देखो यार कभी कभार हमारे साथ ये भी गलती होती है कि हम ना अपने अपने मामा को देखते जो बहुत तगड़े लॉयर है या आईएएस ऑफिसर है, और हम उसको देख के अट्रैक्ट होकर उस फील्ड में घुस जाते हैं। ये भी बहुत गलत तरीका है किसी फील्ड को चूज करने का। अगर आपको लग रहा है आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ो, थोड़ा उसके बारे में जानो, थोड़ा देखो कि क्या कराया जाता है उसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें कोई फील्ड बाहर से बहुत अच्छी लग रही होती है, जब हम करने बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं मजा आता, हमें बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें। तो ये चीज भी आपको देखनी होती है किसी फील्ड में घुसने से पहले। और जैसे लॉयर जैसी स्पेसिफिक फील्ड, होटल मैनेजमेंट जैसी या सीए जैसी स्पेसिफिक फील्ड में घुसने से पहले ये चीज बिल्कुल अच्छे से असेस कर लेना कि आपको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लग रहा है, किसी को देख के लग रहा है कि ये बढ़िया है और आपका खुद ना मन लगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कहते हैं भैया मेरे को अपना इंटरेस्ट नहीं पता, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा मल्टीपल इंटरेस्ट है, मेरा लॉ में भी है, मेरा होटल मैनेजमेंट में भी है, मेरा इंजीनियरिंग में भी है, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं कहां करियर बनाऊं। अगर आप देखो इस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक जनरल कोर्स लेना चाहिए, एक जनरल बैचलर डिग्री करनी चाहिए। अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूं, तो उनके लिए बीकॉम या बीबीए बेस्ट रहेगा। बीकॉम या बीबीए में कौन सा बेटर है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। बट आपको फिर उस केस में जनरल डिग्री लेनी है, क्यों, क्योंकि अगर हम बीबीए या बीकॉम की बात करें तो उसमें मार्केटिंग भी पढ़ते हो, फाइनेंस भी पढ़ते हो, आप लॉ भी पढ़ते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, और आपको जो कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है उसमें आपको अलग अलग इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है अलग अलग सोसाइटीज के थ्रू। तो यार जब आप एक जनरल डिग्री में जाते हो, तो आप समझ पाते हो कि यार हर चीज कैसी दिखती है, आप हर चीज को प्रैक्टिकली खुद करके एक्सपीरियंस कर पाते हो, तो फिर आप समझ लेते हो कि हाँ यार इस चीज में मेरा अल्टीमेटली इंटरेस्ट बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है। और उस 3 साल की कॉलेज जर्नी के बाद आपको एग्जैक्टली पता होता है, अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड रख रहे हो, तो अगर आपको लर्निंग का शौक है और आप देख रहे हो चीजें, तो आप देख पाओगे कि हाँ यार मेरा फाइनली इसमें इंटरेस्ट बन रहा है। कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप ये डिसीजन ले पाओगे, और फिर उस डिसीजन को लेने के बाद आप अपनी मास्टर्स उस चीज में परस्यू कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ, अगर आपने डिसाइड किया मेरे को लॉ पसंद है तो आप लॉ फिर परस्यू कर सकते हो बैचलर के बाद। बट अगर आपको लग रहा है एचएम तो एचएम कर लो, अगर आपको फाइनेंस पसंद है एमबीए इन फाइनेंस कर लो। आपको पता होगा कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बट आंख खोल के रखना कॉलेज में, ताकि आप ये चीज सीख पाओ, चीजें ट्राई करना। तो अगर आपको नहीं पता या फिर आपको मल्टीपल चीजें लग रही हैं, तो हर चीज जाके ट्राई करो कॉलेज में, और आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा आपको क्या करना है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आगे अपने फर्दर जो भी डिसीजंस हैं या अपने उस फर्दर इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते। तो ये रहेगा आपके लिए बेस्ट तरीका। अब देखो मैं आपको क्रैश कोर्स के बारे में बीबीए या बीएमएस वाले हमारे क्रैश कोर्स के बताने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, या देखो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि अगर कोई दुविधा में फंसा हो तो यार उसकी भी हेल्प हो जाए।
अब देखो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको बीबीए बीएमएस या बीबीए प्लस एमबीए करनी है तो उसके लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन का हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इस क्रैश कोर्स में हम आपको सारे बीबीए या बीएमएस के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएंगे। आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स सारे टॉपिक्स के ऊपर जो एंट्रेंस में आने हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के। साथ में हम एक बुक सेट आपको पहले दे रहे थे पर बुक सेट अब हम भेज नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, तो हमने उन बुक सेट का बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बना के आपको ऑनलाइन हम टेस्ट देंगे जिनको आप देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको मिलेगा स्टडी प्लानर जो कि आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बना पाएगा, और हम आपको देंगे AI enabled mocks portal जिसके थ्रू आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, आप अपने एग्जाम वाइज टेस्ट दे सकते हो, और वो पोर्टल आपकी परफॉर्मेंस का कंप्लीट एनालिसिस देगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आप कितने परसेंट बच्चों से ऊपर या नीचे रहे हो। तो अगर आप ये कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो या एनरोल करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर चॉइस के लिए, एंड बाय।